हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल यू के सी दशा धंधो राइडर। सो आज हम जा रहे हैं एक ही बहुत प्यारी चीज़ को लेने जो हमारी वीडियो क्वालिटी को बढ़ाएगा। हाँ, आपको थंबनेल और टाइटल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं एक GoPro Hero 9 लेने जा रहा हूँ आज, और मैं नया नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ एक सेकेंड हैंड GoPro Hero 9। सो अभी मैं उसको लेने जाता हूँ और कंडीशन भी ओके है उसकी, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 2-3 बार यूज़ हुआ है आई थिंक, उसके बाद यूज़ ही नहीं हुआ। सो देखते हैं, और बाकी सारा सेटअप मिल जाएगा। तो अब जो मेरी वीडियो में साउंड की और थोड़ी बहुत वीडियो क्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही थी वो अब नहीं आएगी। ये सब कुछ मैं आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ भैया जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर दो, तो हमारा क्या जाएगा, मुझे खुशी मिल जाएगी और कुछ नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी मैं हूँ यहाँ पर जो राजपुर रोड में फुटपाथ टाइप बनाए बैठने के लिए, और मैं यहाँ पे अभी इस समय आशु का वेट कर रहा हूँ। आशु आएगा फिर हम दोनों साथ में जाने वाले हैं, जैसे कॉलेज जाना है अपने, इसे कॉलेज छोड़ना पड़ेगा कैमरा लेने के बाद। सो ये रहा जो मेरा पुराना कैमरा जो मैं यूज़ कर रहा था HD6 Legend, और इसमें क्या था नॉइज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने ये जुगाड़ भी करा था। इसमें छोटा वाला स्पंज आता है, बट मैंने बड़ा स्पंज लगाया था ताकि नॉइज़ के रिएक्शन थोड़ा कम हो। बट लास्ट वीडियो में आपने नोटिस करा होगा कि मैंने म्यूज़िक ज़्यादा यूज़ करा होगा, वो इसलिए यूज़ करा था क्योंकि पिछली बार जो है लास्ट वीडियो में माइक को ग्लिच हो गया था, और वो ग्लिच किस वजह से होता, इस वजह से होता या पीछे से सेटिंग छिट गई थी कुछ नहीं पता। बट अब ये प्रॉब्लम नहीं आने की क्योंकि अब हम कैमरे चेंज करते हैं। तो मैं GoPro Hero 9 लेने जा रहा हूँ, तो चलो चलते हैं, फिर वहाँ जाके आप लोगों से बात करते हैं। सो भाई लोगों, रॉन्ग साइड ही जाना पड़ेगा क्या? तो पता नहीं इसमें साउंड क्वालिटी कैसी आ जाएगी, बट ये आप लास्ट टाइम झेल लो, शायद साउंड क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और वीडियो क्वालिटी तो होगी होगी यार, इतना पैसा खर्चा हो गया तो। चलो चलते हैं और लेके आते हैं अपना GoPro Hero 9। अगली वीडियो में जब उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। ये था PNB बैंक, इसके पास ही बुलाया था, तो हम खड़े होंगे वहाँ आगे छाव में, भाई का वेट करेंगे। भाई ज़्यादा फ़ोन नहीं उठा रहा यार, मतलब उठा ही लेगा, बता तो दिया था मैंने उसे। चलिए तो वेट करते हैं हम। बाइक भी बेच रहा है किसी को, बाइक लेने बताना। चलो भाई थैंक यू मेरा भाई सामान के लिए। चलो तो भाई हमें दिखा रहा है एक विली जाते जाते, अरे बैंक तो सामान हमने ले लिया है, भाई जा चुका है, और अगली वीडियो में आपको इसका रिव्यू देंगे, इसका क्वालिटी बताएंगे कैसी है, और इसको हेलमेट में कैसे माउंट करना है सारा सामान सेटअप, क्योंकि माइक वगैरह सब कुछ नया है, मुझे दोबारा से कुछ करना पड़ेगा, तो उस चीज़ की भी मैं सोच रहा वीडियो बना दूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे करना है और कैसे नहीं। ठीक है, इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, और चलो कुछ तो आगे बढ़े हैं, चैनल के लिए मुझे करना ही था, वीडियो के लिए मुझे मंगाला तो था ही, तो चलो फिर आप लोगों से अगले ब्लॉग में बात करेंगे। तब तक के लिए बी सेफ एंड राइट सेफ, गुड बाय एंड टाटा।